सागर धनखड़ हत्याकांड मामले के बाद से सुशील कुमार की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। शुरुआत में हमने देखा किस प्रकार से जब 4 मई की रात को ये पूरी घटना हुई उसके बाद से ही सुशील कुमार फरार थे क्योंकि पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, साथ ही साथ काला जठेड़ी गैंग भी उनकी तलाश कर रही थी। तो 18 दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद 23 तारीख को दोस्तों सुशील कुमार पुलिस के हाथ लगे। लेकिन इन सब के बीच हम ये ना भूलें कि सुशील कुमार एक मशहूर पहलवान है जिन्होंने अखाड़े की दुनिया में काफी ज्यादा नाम कमाया, ऐसे में उनका शरीर ही उनके इस वक्त काम आया। लेकिन ऐसे में दोस्तों अब याद किया जाए तो सुशील कुमार इन सब भागा दौड़ी में अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। यहां तक कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आया था कि 6 दिन की रिमांड में सुशील कुमार है और जेल की सलाखों के पीछे काफी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और लगातार उनका यही बयान है कि उन्होंने सागर को नहीं मारा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर उन्होंने नहीं मारा तो किसने मारा? आप सभी को बता दें कि इसी के साथ साथ खबरें ये भी सामने आई है कि सुशील कुमार लगातार अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे, यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो खाना उन्हें बाहर मिलता था देशी घी से लथपथ और उसी के साथ साथ दूध दही मलाई सब मिलता था, वो सब अब जेल की सलाखों में नसीब कहां, जिसकी वजह से उनका शरीर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि पहलवानी के लायक अब कमजोर होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां जेल की सलाखों के बाहर आने के बाद भी बढ़ सकती है क्योंकि कुश्ती की और अखाड़े की दुनिया से वो काफी दिनों तक अपने आप को दूर रखना चाहेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सच में सुशील कुमार ने सागर को उस रात मारा था या नहीं, या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ था, किसी और ने मौके का फायदा उठाते हुए सुशील कुमार के ऊपर सारे आरोप थोप दिए, ये बात की बात है। लेकिन सुशील कुमार जिस प्रकार से जेल की सलाखों के पीछे हैं, खाना पीना छोड़ रखा है और बहुत कम खाना पीना खा रहे हैं, कई सारे पुलिस वालों के कहने पर दोस्तों वो खाना पीना खाते नजर आ रहे हैं, ये सारी खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस वालों के कहने पर ही सुशील कुमार अपना खाना खाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो खाना खाते हैं, ये सारी बातें सामने आई हैं। ऐसे में सुशील कुमार पहलवान होने के साथ साथ अपनी फिटनेस को बरकरार रख पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में हम सभी को पता चल जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।